नमस्कार दोस्तों, आज मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। आज हम सीखेंगे टेंस का सेकंड पार्ट, पास्ट टेंस। पास्ट का फर्स्ट पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी में पहचान होती है आ ई ए। जिस भी वाक्य के अंत में आ ई ए आए वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसका इंग्लिश में फॉर्मेट है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, जैसे सीता ने आइसक्रीम खाई, राहुल ने न्यूज़पेपर अखबार पढ़ा, उन्होंने फुटबॉल खेली। सीता ने आइसक्रीम खाई, इसका बनेगा सीता सब्जेक्ट है, एट वर्ब इट की सेकंड फॉर्म है एट, फिर आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है सीता एट आइसक्रीम। सेकंड है राहुल ने न्यूज़पेपर पढ़ा, राहुल रीड न्यूज़पेपर, राहुल इसमें सब्जेक्ट है रीड। तीनों रीड की तीनों फॉर्म एक समान होती है, रीड की सेकंड फॉर्म है न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, राहुल रीड न्यूज़पेपर। इसकी थर्ड, जैसे वे उन्होंने फुटबॉल खेली, दे प्लेड फुटबॉल, दे सब्जेक्ट है प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इसका इंग्लिश में फॉर्मेट है पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है क्या सीता ने आइसक्रीम खाई और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इनके पीछे क्वेश्चन मार्क आया। इसकी बनेगी डिड सीता ईट आइसक्रीम, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, डिड सीता ईट आइसक्रीम। सेकंड, क्या राहुल ने अखबार पढ़ा, Did Rahul read newspaper? Did Rahul read newspaper? क्या उन्होंने फुटबॉल खेला, Did they play football? अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पर। इसका वाक्य बनाने का फॉर्मेट है पहले सब्जेक्ट, फिर did not, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सीता ने आइसक्रीम नहीं खाई, सीता डिड नॉट ईट आइसक्रीम, सीता इसमें सब्जेक्ट है और डिड नॉट ये ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है। सेकंड, राहुल ने अखबार नहीं पढ़ा, राहुल डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, राहुल सब्जेक्ट है, डिड नॉट रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। थर्ड, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।